नमस्कार सभी को। यूथ रीच ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सतीश कुमार है। आज हम दसवीं कक्षा के गणित विषय पर बातचीत करेंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा प्रश्नावली 12.3 का चौथा सवाल। आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओएबी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। देखिए, ये एक आकृति आपको दिखाई दे रही है। आकृति है ये मैथ में आपकी 12.22। अब आप ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ओएबी। अब ओ को शीर्ष मानते हुए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींच रही है। ये चाप है। अब हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। जो ये क्षेत्र हमें ज्ञात कर रखा है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। वो कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये वृत्तीय चाप द्वारा घिरा गया क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। आइए, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज है, उसकी सभी भुजा 12 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, समबाहु है तो 60 डिग्री का होता है। वृत्तीय चाप की त्रिज्या पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, इसमें से ये 60 डिग्री जो है ये हमें कम करना है, 300 डिग्री का रहेगा ये। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल प्लस वृत्तीय चाप का क्षेत्रफल। त्रिभुज समबाहु है तो इसका फॉर्मूला है अंडरूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर प्लस ये वृत्तीय चाप है, इसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। रूट 3 का मान हम लेंगे 1.73, इसके बटा 4 करेंगे। भुजा हमारे पास 12 है, 12 गुना 12 जमा थीटा 300 डिग्री का है बटा 360 डिग्री, पाई का मान 22/7 है और आर इसमें 6 गुना 6 करेंगे, 4 × 3 = 12, 0 कट गया, 5 × 6 = 30, 6 से काट लेंगे, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 6। अब ये 12 1.73 गुना 3 गुना 12 इधर है, इधर है 5 गुना 22 गुना 6, पहले इनकी गुना करेंगे, 12 × 36, 36 की 1.73 से गुना करेंगे, 6 × 18 42 और 1 = 43, 6 × 4 = 10, 3 × 3 = 9, 7 × 21, 3 × 2 = 5, 8 × 9 = 12, 2 = 6 62.28 इसमें ऐड करेंगे, 6 × 5 = 30, 30 की और 22 की करेंगे, 22 × 66 और इसके बटा 7 है। अब इन दोनों क्षेत्रफल हमें ऐड करना है, 62.28 जमा 7 से 7 × 3 = 63, 63 बच गया, 7 × 28 2 बच गया, 7 × 14 ये लगभग 94.29 आएगा, इनको ऐड करेंगे, 9 × 8 = 17, 1 हासिल है इसमें, 2 × 2 = 4 और 1 = 5, 4 × 2 = 6, 9 × 6 = 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल
इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल है 12.22 का। आशा करता हूँ यूथ रीच ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको गणित विषय समझने में आसानी होगी। आपसे उम्मीद है इस विषय में आप अपने सवाल जरूर रखें ताकि इस विषय को हम और अच्छे समझा सकें। धन्यवाद।